And believe me, we have a decent sense of what is in our interest and know how to protect it and advance it. So I put it to you, there's an ideological agenda out there. I don't know why that's hard to understand. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You're asking the wrong minister when you say, how long will we do this? Because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. इंडिया के फायरी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बाकी देशों को उनका आईना दिखाते हुए। आज का ये भारत सालों पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। 2009 में इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अरुणाचल प्रदेश गए, उन्होंने वहां के सेंसिटिव बॉर्डर टाउन तवांग को स्किप किया। क्यों? क्योंकि चाइना उसको बर्दाश्त नहीं करता। टुडे पीएम मोदी तवांग जाने वाली सेला टनल को इनॉग्रेट कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह अरुणाचल के सेंसिटिव बॉर्डर विलेजेस से सरकार के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब इंडिया चाइना के बीच 45 साल में पहली बार कई मेजर क्लैशेस हुए हैं। दिस वन एग्जांपल आल्सो सिंबलाइजेस द ग्रेटेस्ट शिफ्ट इन इंडियाज एटीट्यूड एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुडे। इफ वी वर इंडिफरेंट टू चाइना, व्हाई आर वी टुडे प्रेसिंग चाइना ऑन डिसएंगेजमेंट एंड डीएस्केलेशन? Why are we saying publicly that our ties are not normal? एक नेशन की फॉरेन पॉलिसी के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने और बाकी कंट्रीज के सिटीजंस के फ्यूचर को बदल सकती है। फॉरेन पॉलिसी नेशंस के हाथ में एक इम्पोर्टेंट टूल है अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गोल्स को बढ़ाने के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट कीपिंग योर नेशनल इंटरेस्ट एट द टॉप। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी सालों तक कमजोर रही है। कभी इंडिया सॉफ्ट दिखता था, कभी आइडियलिस्टिक और कभी डरा हुआ, पर पिछले 10 सालों में इंडिया एक पावरफुल नेशन की तरह उभर रहा है जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाते हुए कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है, विच आर वर्किंग इन इट्स फेवर, लाइक द सर्जिकल स्ट्राइक्स आफ्टर पुलवामा एंड उरी अटैक्स और द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस चीज को रियलिटी बनाने में कुछ खास रीजंस है और लोग भी हैं। इंडिया सही मायनों में इमर्जिंग पावर बना है 90s के बाद, जब लिबरलाइजेशन ने इंडिया के लिए नए दरवाजे खोले, जिसकी वजह से तेजी से इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ आई एंड द वर्ल्ड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। पर अर्ली और मिड 2000s में ये न्यूली गेन्ड पावर इंडिया में कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही थी। खासकर के यूपीए सरकार के दोनों टर्म्स के अंडर इंडिया कितना कमजोर हो गया था, ये आप इंडिया के फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा से ही सुनिए। सर, क्या लगता है आपको कि भारत जो है एक सॉफ्ट स्टेट है? जी, आज एक सॉफ्ट स्टेट, ऐसा डर लगता है तो क्या करें, देश को तो खत्म नहीं कर सकते ना। 2008 में हुए थे मुंबई में भयंकर टेररिस्ट अटैक्स, और हम सब जानते हैं इस अटैक में पाकिस्तान का रोल साफ था। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंडिया के फॉर्मर पीएम, ने एक बोल्ड स्टेप लेने की कोशिश करी और पाक के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भरी मीडिया के सामने बोला कि पाकिस्तान टेररिज्म के लिए यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान में बैकलैश एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह की अपॉलॉजी, और इसके ठीक एक महीने बाद इंडिया ने पाकिस्तान को हैंडल करने की स्ट्रेटजी को रिवर्स किया, विद अवर पीएम मनमोहन सिंह ऑलमोस्ट बेंडिंग द नी बिफोर पाकिस्तान। तो हुआ ये कि दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स मिले शर्म अल शेख समिट में, जहां जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ। इस स्टेटमेंट में साफ लिखा गया कि टेररिज्म का डायलॉग से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली, पहली बार ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान के बीच द बी वर्ड बलूचिस्तान का मेंशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, विच बेसिकली मेंट इंडिया एक्सेप्टिंग दैट इट इंटरफेयर्स इन बलूचिस्तान। बस लग रहा है क्या हम पाकिस्तान से भी डरते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ?
2009 में इंडिया ने यूएस के साथ एंड यूजर वेरिफिकेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें यूएस की ये कंडीशन एक्सेप्ट की गई। पहला, यूएस से खरीदे गए मिलिट्री वेपन्स को इंडिया अपनी मर्जी से मॉडिफाई नहीं कर सकती। क्या आपको पता है कारगिल वॉर में अगर इंडियन एयरफोर्स ने अपनी फ्लीट में मॉडिफिकेशंस नहीं करी होती तो इंडिया के लिए टाइगर हिल का बैटल जीतना मुश्किल होता। दूसरा, अगर इंडिया को ये वेपन्स एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रांसफर करने हैं, फॉर एग्जांपल आर्मी टू नेवी, तो उसके लिए यूएस की परमिशन लेनी होगी। तीसरा, यूएस अपने हिसाब से इन वेपन्स का इंस्पेक्शन कभी भी कर सकती है। इस डील से यूएस की शर्तें इंडिया पर थोपी गई और इंडिया की सोवरेनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी दोनों को एक बड़े रिस्क में डाला गया। एंड दिस एग्रीमेंट इज फॉर लाइफ टाइम। हिस्टोरिकली यूएस ने बहुत बार इंडिया को टेक्नोलॉजीज का एक्सेस डिनाई किया है, बट जब भी इंडिया ने सेम टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसली डेवलप करी है या कहीं और से सोर्स की है तो यूएस ने चुपचाप हमें अपनी टेक्नोलॉजी का एक्सेस दे दिया है। US banned supercomputers for India. US denied GPS access to India. So we built our own. Coming back to the deal, अगर इंडिया US को इतना बड़ा concession दे रही थी, वो भी defense में, तो क्या बदले में इंडिया को US से कुछ लेना नहीं चाहिए था? इंडिया के पास लेवरेज था इस डील के थ्रू यूएस से पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाने का और टेररिज्म पर एक्शन लेने का, बट इंडिया रिमेन्ड साइलेंट। बट आज का इंडिया 10 साल पहले के इंडिया से बिल्कुल अलग है। आज दुनिया इंडिया में घबराए हुए देश की जगह एक सेल्फ कॉन्फिडेंट देश को देखती है, कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी को देखती है। आज इंडिया का गोल साफ है, वर्ल्ड में एक सुपर पावर बनना, ग्लोबल लीडरशिप में अपनी राइटफुल जगह लेना है विदाउट बीइंग अपोलोजेटिक। ये है पीएम मोदी का विजन फॉर न्यू इंडिया, दैट इज भारत। और इस विजन का सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं इंडिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. A strong leader needs a strong team to survive and grow. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी एस जयशंकर के टर्म में ही आए हैं। Be it the Russia-Ukraine war, Israel-Palestine conflict, or an overtly aggressive China. इंडिया इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हुए सब नेशंस के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहा है। अगर इंडिया की पोजीशन बाकी देशों से अलाइन नहीं करती है तो एस जयशंकर आज ब्लंटली अपने काउंटर पार्ट्स को, जर्नलिस्ट्स को जवाब देते हैं। द यूरोपियन यूनियन बिटवीन फरवरी 24 एंड 17 नवंबर has imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. The oil import in European Union is like 6 times what India has imported. Itne blunt answers ke bawajood bhi India has not lost a single important friend jo India ki badhti global standing ka bada saboot hai. Today when India talks, the world listens. Agar India ko koi country corner karna chahti hai to wo impossible hai. इंडिया आज अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को लेकर क्लियर है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज रियलिज्म पर ज्यादा चलती है, आइडियलिज्म पर नहीं। Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it, it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? जयशंकर का कॉन्फिडेंट, assertive और unapologetically nationalist स्टाइल कन्वे करता है कि इंडिया आज मेजर पावर्स पे अपनी राइटफुल जगह ले रही है। जहां इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पहले नॉन अलाइनमेंट फॉलो करती थी, वो आज मल्टी अलाइनमेंट फॉलो कर रही है। जयशंकर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसे प्रिंसिपल्स को एडवोकेट करते हुए इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। दिस इज द कंस्ट्रक्ट यू आर ट्राइंग टू इंपोज ऑन मी एंड आई डोंट एक्सेप्ट इट। I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. US के Secretary of State Antony Blinken और German Foreign Minister Annalena Baerbock के सामने जयशंकर ने रशिया से ऑयल खरीदने पर इंडिया की तरफ से ये जवाब दिया। Why should it be a problem if I'm smart enough to have multiple options? You should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing. ये सुनकर ब्लिंकन और बैरबॉक दोनों ने क्या किया? They just smiled, that's it.
प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इलेक्ट हुए तो एक हिंदू नेशनलिस्ट की इमेज को मोदी के लिए एक बर्डन माना गया था और सबको लगता था कि इस्लामिक नेशन से इंडिया के रिलेशंस खराब होंगे। बट इंडिया के टाइज न सिर्फ यूएई, सऊदी, कतर जैसे इंपॉर्टेंट नेशंस के साथ आज पीक पर हैं। इवन विद इजराइल वी आर क्लोजर देन एवर बिफोर। इंडिया को आज ग्लोबल साउथ की आवाज माना जा रहा है क्योंकि इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट नहीं बाकी नेशंस के इंटरेस्ट को भी आगे रख रहा है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन नेशंस को G20 का पार्ट बनाया गया। जहां पहले इंडिया बैक सीट पर रहता था, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में प्रो एक्टिव रोल ले रहा है बिकॉज इट वॉन्ट्स टू बी द न्यू रूल शेपर ऑफ द वर्ल्ड। आज सही मायनों में भारत उभर रहा है और इस उभरते भारत को कोई भी रोक नहीं पा रहा। आपको क्या लगता है, इंडिया की इमेज पिछले 10 सालों में स्ट्रांग हुई है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।